शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से ब्रेसलेट को देखकर मैं ये समझ गई थी कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने असली सबूत ढूंढा। छोड़ो नागिनी, छोड़ो। संभाल कर रखना इसे, फिर कभी इसके हाथ नहीं लगने चाहिए। डोंट वरी मैम, वैसे भी कल से पहले इसको होश आएगा नहीं, और तब तक अदालत अपना फैसला सुना चुकी होगी। अभय की किस्मत का फैसला तो मैं कर चुकी। रागिनी सिंघानिया कभी नहीं हारती, कभी नहीं। अभी माता रानी पर पूरा विश्वास है, अब मैं आज ही घर वापस आएगी। दादू देखिए ना, हमने पापा की वेलकम करने के लिए क्या बनाया है, अच्छा है ना? दादू चाचू खुश होंगे ना इसे देखकर? हाँ बेटा, श्रद्धा भाभी वो कहाँ रह गई? पूरी रात निकल गई पर वो घर वापस नहीं लौटी है। आरती, हो सकता है वो सीधा कोर्ट में ही आए। पता नहीं बेचारी पूरी रात परेशान रही होगी। दीदू को तो आ जाना चाहिए था, हमें तो घबराहट हो रही है कि उन्हें रागिनी के यहाँ कोई सबूत मिला भी या नहीं। अपना अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए आप दोनों। जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि अभय त्रिपाठी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब क्या होगा, कहाँ है दीदू? वाह, होश में आते ही पति का नाम, क्या प्यार है। बट काश ये आवाज अदालत तक पहुंच पाती, ऐसा हो नहीं सकता श्रद्धा। हे भगवान, क्या ना फंस गए। जल्द से जल्द अदालत पहुंचना होगा, मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। मदद चाहिए। सही कहा तुमने, पर जब तक तुम यहाँ हो ना, तो उसके भी किसी काम की नहीं हो, और अभय को फांसी की सजा मिल के रहेगी, समझी? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता ना कि अदालत दिन भर आप लोगों के लिए इंतजार करती रहे कि आपका सबूत कब आएगा। कोई सबूत नहीं आने वाले हैं जज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाइए। सबूत है सर, और वही हमारी दीदू लाने गई है। सर आपसे विनती है कि थोड़ा वक्त हमें दे दीजिए, ये अभय की जिंदगी का सवाल है, बस वो आती होंगी। यस योर ऑनर, जब आज फैसला हो ही जाना है तो मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा समय और दिया जाए ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। ठीक है, आप श्रद्धा त्रिपाठी को फोन लगाइए। और आपकी क्लाइंट रागिनी सिंघानिया कहाँ है? उन्हें पता भी है कि आज इस केस की आखिरी सुनवाई है और ये उनके पति की हत्या का केस है, उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था ना। अब यहाँ से ना कोर्ट तक पहुँचना नामुमकिन है श्रद्धा, पर डोंट वरी, जैसी अदालत अपना फैसला सुना देगी ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वो भी जिंदा। हैप्पी? भगवान से थोड़ा डरो,
वो निर्दोष को कभी सजा नहीं देते, और रही बात तुम्हारी रागिनी मैडम की, तो उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें सच में ये लगता है? शायद तुम्हें पता नहीं है, जब तक तुम्हारे पति को जेल होगी ना, रागिनी मैम देश छोड़ के चली जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। नहीं, मैं रागिनी को कहीं नहीं जाने दे सकती, ये नहीं हो सकता। नहीं, सर, ये मिसिस रागिनी सिंघानिया का मेडिकल सर्टिफिकेट है। उनकी तबीयत कल से बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आज उनका यहाँ अदालत में आ पाना पॉसिबल नहीं है। और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कहाँ है मिसिस श्रद्धा त्रिपाठी? जज साहब, श्रद्धा के एस्कॉर्ट में देर से आने की वजह कुछ और है। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो अदालत के समय की इज्जत नहीं कर पा रही है वो? सॉरी सर, एक मिनट। जज साहब, वो वजह है इंस्पेक्टर किरण। जज साहब, ये कल रात को जबरदस्ती हमारे घर में आ गई, और सबूतों पे नजर रखने के बहाने हम सबको घर में बंद कर दिया। इसीलिए मजबूरन श्रद्धा को सबूत ढूंढने के लिए घर से भागना पड़ा। इंस्पेक्टर किरण माथुर, ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर बरोल? किसकी परमिशन से आप गई थी वहाँ उनके घर? आई एम सॉरी योर ऑनर, मिसेज रागिनी सिंघानिया ने कंप्लेन लॉन्च की थी कि त्रिपाठी हाउस वालों ने इनको जान से मार देने की धमकी दी थी, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ पर जाना पड़ा मिलॉर्ड। इसका मतलब आप हर किसी को उनके घर में बंद करेगी? मुझे आपके इस एक्शन पर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जज साहब, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन इसका श्रद्धा का यहाँ ना पहुँचने से कोई कनेक्शन नहीं है मिलॉर्ड। भगवान, श्रद्धा ठीक हो, मुझे बचाने के लिए कहीं वो खुद किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। क्या लगता है, ये गन मैं तुम्हारे हाथ में पड़ने दूंगी? हाँ, नॉट पॉसिबल। ये इकलौता सबूत है जिससे ये पता चल सकता है कि रागिनी मैम ने ही राज सर का मर्डर किया है, और तुम्हारे पति की बेगुनाही का सबूत तुम्हें लेकर चली। बाय श्रद्धा। रुको, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अपनी रागिनी मैडम का साथ देकर क्या मिलेगा तुम्हें? वो तो ये सब करके देश छोड़कर चली जाएगी, तो फिर उनके किए का बोझ तुम अपने सर पर क्यों ले रही हो? क्योंकि इससे मेरा बहुत बड़ा फायदा है। अब देखो, रागिनी मैम तो बच जाएगी, ये तो पक्का है, और फिर वो चली जाएंगी देश से बाहर, और यहाँ की ऑफिस की CEO, जिस कुर्सी के नीचे मैं हमेशा दब के रहती थी, उस राज की वजह से अब उस कुर्सी पे बैठूंगी मैं। फिलहाल ना तुम एक काम करो, चुपचाप बैठी रहो और अपने पति को फांसी की सजा मिलने का इंतजार करो। साहब, बस थोड़ा और टाइम दे दीजिए, श्रद्धा बस आती ही होगी। हो सकता है कि किसी की वजह से वो कोई मुसीबत में फंस गई हो। हाँ, पर सुनवाई के लिए भी एक समय तय होता है, हम भी उसके ऊपर नहीं जा सकते मिस्टर त्रिपाठी। माफ करिएगा सर, पर हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज को जो गोली लगी थी ना,
वो सामने से चली नहीं थी। हाँ जज साहब, अभय और राज आमने सामने खींचातानी कर रहे थे गन को लेके, तो अगर गोली लगनी थी तो आगे से लगती ना, लेकिन गोली पीछे लगी थी। सर अभय ने गोली नहीं चलाई है, गोली किसी और ने चलाई है जो वहाँ पे था। थोड़ा टाइम प्लीज। मिलॉर्ड, उस खींचातानी में बंदूक की स्थिति क्या थी, कहाँ थी, इस बात का कोई सबूत है? आखिर साबित तो यही हुआ था ना उस दिन की गोली अभय त्रिपाठी ने चलाई थी। इनके इस बयान का कोई आपके पास ठोस सबूत और गवाह है क्या? सबूत है सर, और वही लाने दीदू भैया, आप थोड़ा वक्त दे दीजिए, बस वो आती ही होंगी प्लीज। यस सर, अभी और उसके परिवार के लिए बेगुनाही साबित करने का ये आखिरी मौका। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ मिस्टर त्रिपाठी, पर अदालत के भी अपने तौर तरीके होते हैं। ये अदालत आपका घर नहीं कि जब मर्जी चले आए। अब अदालत इससे ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सांस, अबे जसब, मिस्टर अभय त्रिपाठी को कुछ नहीं हुआ है, ये सब इनका नया ड्रामा है कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए। इंस्पेक्टर किरण माथुर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। यू अंडरस्टैंड? सदा सदा ठीक तो है, रागिनी ने उसके साथ कुछ कुछ कर तो नहीं दिया। जज साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि इंस्पेक्टर किरण ने अभय के साथ लॉकअप में कुछ किया हो। आप उसकी हालत देखिए। मिस्टर त्रिपाठी, पुलिस के ऊपर ऐसा इल्जाम बिना ठोस सबूत के आप नहीं लगा सकती। पुलिस की इज्जत कीजिए। हेलो, हाँ बोलो। अरे मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम हो कि मैम, अभी अभी तो श्रद्धा से बच के निकली हूँ, उसने मुझ पर उल्टा हमला किया है, मैं ये सबूत अपने पास नहीं रख सकती मैम, प्लीज आप वही वेट कीजिए। ठीक है, जल्दी आओ। हर बार मेरे प्लान में एक नई रुकावट लेकर आती है श्रद्धा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? ये अभी ठीक है। अब ठीक है,
बहुत टाइम बर्बाद किया है इन्होंने। मिलॉर्ड, अब आप फैसला सुना दीजिए। इस केस की सुनवाई के लिए निर्धारित समय के ऊपर आज की कार्रवाई जा चुकी है। यह अदालत अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। जितना इंतजार करना था कर लिया, मुझे अभी के अभी निकलना ही होगा। पीछा कब छोड़ोगी तुम? जब तक तुम अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। तुम्हें जो करना है ना, तुम कर लो, क्योंकि मैं तो आज जा रही हूं। और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तो याद रखना, अगर अपने पति को गोली मारने से पहले मैंने नहीं सोचा, तो तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूं तुम सोच लो। गन उठाने और चलाने में बहुत फर्क है श्रद्धा, मैं जानती हूँ तुम गोली नहीं चलाओगी। अगर अब है को सजा हो गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तो अब अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं तुम्हें साथ लेकर मरूं। देखो श्रद्धा, गन नीचे करो, तुम जो भी कहोगी वो मैं वो मानने को तैयार हूँ। ले जाइए इसे, मुझे अभी के अभी निकलना है और मैं इसकी मनहूस शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। और हाँ, अभय को तो जज आज फांसी देकर रहेगा। मिस्टर अभय त्रिपाठी, कोर्ट अपना फैसला सुनाए इससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरी गुस्से की वजह से मेरे अपने परिवार ने बहुत कुछ सहा है। और सर, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई खून नहीं किया है। ये सब बहुत पुराने पैतरे हैं जज साहब, भावनाओं में उलझा कर अदालत को गुमराह करने की। लेकिन ये कानून का मंदिर है, यहाँ भावनाएं नहीं सबूत चलते हैं जो मैंने पेश किए थे। उनके हिसाब से इस केस का असली गुनहगार अभय त्रिपाठी ही है। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर अभय त्रिपाठी ने ही राज सिंघानिया का खून किया है। ऑर्डर ऑर्डर। आरोपी अभय त्रिपाठी को मिस्टर राज सिंघानिया के खून के इल्जाम में आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा चाहिए। योर ऑनर, We'll be right back.
इन तस्वीरों से ये साबित हो जाएगा कि उस रात पार्टी में रागिनी सिंघानिया ने वो ब्रेसलेट पहना था और जिस वक्त उन्होंने गोली चलाई ये उनके हाथ से टूट कर गिर गया। मैंने अपने पति को नहीं मारा, श्रद्धा मुझे फंसाना चाहती है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है। किस बात का बदला मिसेस सिंघानिया? अपनी बहन कीर्ति का बदला। कीर्ति का अफेयर चल रहा था मेरे पति राज के साथ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।